दोस्तों, मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो उन बहुसंख्यक लोगों की है वह यह है कि वो सचमुच कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नाकाम रहते हैं, जबकि सिर्फ कुछ चंद लोग ही सफल हो पाते हैं। हजारों की संख्या में स्त्री पुरुषों पर एक सर्वे किया गया जिनमें से 98% लोग असफलता की श्रेणी में आए। आज के समय में भी, जब मानव सभ्यता और शिक्षा प्रणाली विकसित अवस्था में होने के बाद भी, इससे यह पता चलता है कि आज की शिक्षा प्रणाली में कुछ गलत है जो 98% लोगों को जीवन में असफल बनाती है। इस सर्वे ने साबित किया और पॉइंट आउट किया कि असफलता के कम से कम 31 कारण हैं, साथ ही और बहुत सारे बहानों की भी लंबी लिस्ट है जो लोग सफल ना होने के लिए सोच सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुने और हर पॉइंट पर खुद को एनालाइज करें, खुद की जांच करें और पता लगाएं कि असफलता के इन कारणों में से कितने आपके और आपकी सफलता के बीच खड़े हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें जिससे आपके दोस्तों को भी ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, प्रतिकूल अनुवांशिक पृष्ठभूमि। जो लोग कमजोर मानसिक शक्ति के साथ पैदा हुए हैं उनके लिए बहुत कम किया जा सकता है। इस फिलॉसफी में इस कमजोरी पर पुल बनाने का केवल एक तरीका बताया गया है, मास्टर माइंड की सहायता। फिलहाल यह बात जान लें कि असफलता के 31 कारणों में से यही एक कारण है जिसे कोई व्यक्ति आसानी से सही नहीं कर सकता। नंबर दो, जीवन में निश्चित उद्देश्य का अभाव। उस व्यक्ति के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसके पास निशाना साधने के लिए कोई केंद्रीय लक्ष्य, कोई निश्चित उद्देश्य ही ना हो। पहले जिस सर्वे में जिन लोगों का विश्लेषण किया गया है उनमें 98 के पास ऐसा लक्ष्य नहीं था, संभवतः यही उनकी असफलता का मुख्य कारण था। नंबर तीन, औसत से अगर लक्ष्य बनाने की महत्वाकांक्षा का अभाव। उस व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद ही नहीं है जो इतना उदासीन हो कि जीवन में अपने आप आगे ना निकलना चाहता हो और इसकी कीमत चुकाने को तैयार ना हो, अर्थात बिना इच्छा या महत्वाकांक्षा के कोई भी व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा, फलस्वरूप वह कभी सफल भी नहीं हो सकता। नंबर चार, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी अड़चन है जिससे उबरना तुलनात्मक दृष्टि से आसान है। देखने में आया है कि सबसे अच्छी तरह शिक्षित लोग प्राय वे होते हैं जो स्वनिर्मित या सुशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति का मतलब कॉलेज की डिग्री होना ही नहीं, शिक्षित व्यक्ति को तो वह है जिसमें दूसरों के अधिकारों के हनन किए बिना जीवन में अपनी मनचाही चीजें पाना सीख लिया है। शिक्षा में ज्ञान उतना मायने नहीं रखता है, मायने तो यह रखता है कि उस ज्ञान का प्रभावी ढंग से और लगन से इस्तेमाल किया जाए। लोगों को उनके ज्ञान के लिए भुगतान नहीं मिलता है, उन्हें तो भुगतान खास तौर पर इसके लिए मिलता है कि वे अपने ज्ञान के साथ करते क्या हैं। नंबर पांच, आत्म अनुशासन का अभाव। आत्म अनुशासन आत्मनियंत्रण से आता है। इसका मतलब है कि इंसान को सारे नकारात्मक गुणों को नियंत्रित करना चाहिए। परिस्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको
खुद को नियंत्रित करना चाहिए। खुद पर विजय पाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप खुद पर विजय नहीं पाते हैं तो स्व आप पर विजय पा लेगा। अगर आप आईने के सामने खड़े हों तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र और अपने सबसे बड़े शत्रु को एक साथ देख सकते हैं। नंबर 6, खराब स्वास्थ्य। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उत्कृष्ट सफलता का आनंद नहीं ले सकता है। खराब स्वास्थ्य कई कारणों से नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य कारण यह है, ज्यादा भोजन करना जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ना हो, हानिकारक पदार्थों का अति सेवन जैसे सिगरेट और शराब, सोचने की गलत आदतें, नकारात्मक बातें सोचना, सेक्स का गलत इस्तेमाल और अति संलग्नता, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव, अनुचित तरीके से सांस लेने के कारण ताजी हवा की अपर्याप्त आपूर्ति। नंबर 7, बचपन में प्रतिकूल परिवेशी प्रभाव। कहा जाता है कि जैसी टहनी मोड़ी जाती है वैसा ही पेड़ बनता है। जिन लोगों में आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं उनमें से ज्यादातर बचपन में बुरे माहौल और गलत साथियों के फलस्वरूप इन्हें सीखते हैं। नंबर 8, टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। वृद्ध टाल मटोल सभी लोगों की छाया के भीतर खड़ा होता है और सफलता के अवसर बिगाड़ने की फिराक में रहता है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कोई सार्थक काम शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते रहते हैं। इंतजार ना करें, समय बिल्कुल सही कभी नहीं होगा। वहीं से शुरू करें जहां आप अभी खड़े हैं और जो भी औजार या साधन आपके पास उपलब्ध हों उनमें से काम शुरू करें। जब आप राह में आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार अपने आप मिल जाएंगे। नंबर 9, लगन की कमी। हम में से ज्यादातर अच्छे शुरुआती होते हैं लेकिन हम शुरू हो चुके काम को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। यही नहीं, लोगों में पराजय के पहले संकेत पर ही हार मानने की आदत होती है। लगन का कोई विकल्प नहीं है। लगनशील व्यक्ति के सामने वृद्ध असफलता आखिरकार थक जाती है और टूट दूर चली जाती है। असफलता लगन से मुकाबला कर ही नहीं सकती। नंबर 10, नकारात्मक व्यक्ति। उस व्यक्ति की सफलता की कोई उम्मीद नहीं है जो नकारात्मक व्यक्ति की वजह से लोगों को विकर्षित कर देता है। सफलता शक्ति के इस्तेमाल से मिलती है और शक्ति दूसरों के सहयोगी प्रयासों के जरिए हासिल की जाती है। नकारात्मक व्यक्ति लोगों को सहयोग के लिए प्रेरित नहीं करता है। नंबर 11, अनियंत्रित यौन आकांक्षा। यौन ऊर्जा लोगों को कर्म में प्रवृत्त करने वाली सबसे शक्तिशाली उद्दीपक है। क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली भाव है इसलिए इसे रूपांतरण द्वारा और दूसरे मार्गों में बदलकर नियंत्रित करना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की भावना करोड़ों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 2000 के दशक की शुरुआत में .com पतन के अध्ययन से पाया जा सकता है, जिस दौरान करोड़ों लोगों ने कंपनियों में निवेश करके रातों रात अमीर बनने की कोशिश की थी। नंबर 13, अस्पष्ट निर्णय शक्ति का अभाव। सफल लोग तुरंत निर्णय पर पहुंचते हैं और अगर उन्हें कभी बदलते हैं तो बहुत धीरे धीरे। असफल लोग अगर कभी निर्णय पर पहुंचते हैं तो बहुत धीरे धीरे और उन्हें अक्सर तथा बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल ये जुड़वा बहने हैं। जहां एक पाई जाती है आमतौर पर वहीं दूसरी भी पाई जाती है। वे आपको असफलता की चक्की में बांध देंगे।
इससे पहले कि इस जोड़ी को मार डालो। नंबर 14, छह बुनियादी डरों में से एक या अधिक। इन डरों का विश्लेषण हम किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग कर सकें, इससे पहले आपको इन डरों पर विजय पा लेना चाहिए। नंबर 15, विवाह में जीवन साथी का गलत चुनाव। यह सब असफलता का सबसे आम कारण है। वैवाहिक संबंध लोगों को अंतरंग संपर्क में लाता है। जब तक यह संबंध सद्भावपूर्ण ना हो, तब तक असफलता मिलने की संभावना रहती है। यही नहीं, इस तरह की असफलता में भारी दुख और नाखुशी भी होती, जिससे महत्वाकांक्षा के सारे लक्षण नष्ट हो जाएंगे। नंबर 16, अति सावधानी। जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे नहीं मिलता है। उसे वही मिलता है जो दूसरों के चुनने के बाद बचा रहता है। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी की अल्प सावधानी। दोनों ही अतियों से अपनी रक्षा करें। दरअसल पूरा जीवन ही जोखिमों से भरा हुआ है। नंबर 17, व्यवसाय में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह व्यवसाय में असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सेवाओं के क्षेत्र में इंसान को बहुत सावधानी से ऐसा नियोक्ता चुनना चाहिए जो प्रेरक, बुद्धिमान और सफल हो। हम उन्हीं लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हमारा करीबी जुड़ाव रहता है। ऐसा नियोक्ता चुनें जो अनुकरण करने लायक हो। नंबर 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास डर का रूप है, यह अज्ञान का चिन्ह भी है। सफल लोग अपना दिमाग खुला रखते हैं और किसी चीज से घबराते नहीं है। नंबर 19, पेशे का गलत चुनाव। कोई भी उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद ना करता हो। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में सबसे अनिवार्य कदम है एक ऐसा पेशा चुनना जिसे आप खुद को पूरे दिल से झोंक सकें, समर्पित कर सकें। नंबर 20, प्रयास की एकाग्रता का अभाव। सभी क्षेत्रों में छुटपुट दखल रखने वाला व्यक्ति शायद ही किसी क्षेत्र में अच्छा होता हो। अपने सभी प्रयास किसी एक निश्चित मुख्य उद्देश्य पर एकाग्र करें। नंबर 21, फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे हमेशा गरीबी के डर में रहते हैं। अपनी आमदनी का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर सुनिश्चित बचत की आदत डालें। जब व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री के लिए सौदेबाजी की बात आती है तो बैंक में रखा पैसा इंसान को साहस की बहुत सुरक्षित नींव प्रदान करता है। पैसे के बिना इंसान को वही लेना होता है जो दिया जाता है और उसे पाकर खुश होना चाहता है। नंबर 22, उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना इंसान दूसरों को किसी बात का विश्वास नहीं दिला सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और इसे नियंत्रण में रखने वाले व्यक्ति का आमतौर पर लोगों के डर समूह में स्वागत होता है। नंबर 23, असहिष्णुता। किसी विषय पर दिमाग बंद रखने वाला व्यक्ति शायद ही कभी आगे निकल पाता हो। असहिष्णुता का मतलब यह है कि व्यक्ति वह ज्ञान हासिल करना छोड़ दिया है। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धार्मिक, जाति और राजनीतिक मत भिन्नताओं से जुड़े होते हैं। नंबर 24, असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप खानपान, शराब और यौन गतिविधियों से जुड़े होते हैं। इनमें से किसी में भी अति संलग्नता सफलता के लिए घातक है। नंबर 25, दूसरों के साथ सहयोग करने की अक्षमता।
जीवन में जितने लोग इस गलती के कारण अपनी हैसियत और बड़े अवसर खोते हैं, उतने बाकी सभी कारणों को मिलाकर भी नहीं खोते। यह एक ऐसा दोष है जिसे कोई भी जानकार बिजनेसमैन या एग्जीक्यूटिव या लीडर बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 26, शक्ति का अधिकार जो खुद की कोशिश से हासिल नहीं की गई थी। यह दौलतमंद परिवारों के बेटे बेटियों और उन सभी लोगों पर लागू होता है जिन्हें पैसा विरासत में मिलता है, उन्होंने इसे कमाया नहीं है। जिन लोगों ने इसे धीरे धीरे अर्जित किया उसके हाथ में शक्ति प्रायः सफलता के लिए घातक होती है। फटाफट मिली अमीरी गरीबी से ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 27, इरादतन बेईमानी। ईमानदारी को कोई विकल्प नहीं है। जिन परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण ना हो उनमें कोई भी कुछ समय के लिए बेईमान हो सकता है, लेकिन इससे कोई नुकसान ही नहीं होता। अगर जो लोग जानबूझकर बेईमानी करते हैं उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। देर सवेर उनके बुरे काम उनके पीछे पड़ जाएंगे और उन्हें इसकी कीमत प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता खोकर भी चुकानी पड़ेगी। नंबर 28, अहंकार और घमंड। ये दुर्गुण लाल बत्तियां हैं जो दूर रखने की चेतावनी देते हैं। ये सफलता के लिए घातक होते हैं। नंबर 29, सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज्यादातर लोग इतने उदासीन या आलसी होते हैं कि ये असली तथ्य खोजने की मेहनत ही नहीं करते जिनसे सटीकता से सोचा जा सके। वे अटकलबाजी या त्वरित आकलन से उत्पन्न राय पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 23, पूंजी की कमी। यह पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों की असफलता का एक आम कारण है, क्योंकि इन लोगों के पास प्रतिष्ठा बनने तक अपनी गलतियों का झटका सहन करने और व्यवसाय चलाते रहने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। नंबर 31, अन्य। इनमें असफलता के उस निश्चित कारण को रख लें जिनकी वजह से आपने कष्ट उठाया है, लेकिन जो अभी तक आप बताए 30 कारणों में से नहीं है। दोस्तों, इन कारणों को ध्यान से समझें और देखें कि आपको इनमें से कौन से कारण हैं जो आपको सफल होने से रोक रहे हैं। उन कारणों को आइडेंटिफाई करें और उसको अपने जीवन से निकाल दें। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यदि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य दें। हम आपके योग सुझावों का दिल से स्वागत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।